क्वेश्चन फिफ्टी वन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज मेनली गर्न बाई यानी कि पत्तियों में जो स्टोमेटा होती है उसके खुलने तथा बंद होने की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी है पोटेशियम आयन आए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू है द ऑक्सीजन स्कवेंजर प्रजेंट इन प्लांट नोड्यूल इज तो कह रहा है कि जो प्लांट नोड्यूल होता है उसमें जो ऑक्सीजन स्क्रवेंजर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं तो उन्हें हम कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन यानी कि आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री है चांसेस ऑफ फोटो रिस्पायरेशन इज हाइएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो सिंथेटिक पाथवे तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो फोटो रिस्पायरेशन है उसके चांसेस इनमें से किस में होते हैं तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है सी थ्री प्लांट तो जो सी थ्री प्लांट होते हैं उनमें फोटो रिस्पायरेशन के जो चांसेस होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं आ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर क्वेश्चन नंबर 54 है द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमिटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आवृत बीजी पौधे हैं उनमें जो फर्स्ट मेल गैमिटोफाइट सेल होता है उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है इपिनास्टी इज कास्ड बाई यानी कि इपिनास्टिक किसके थ्रू होता है तो ये होता है इथाइलिन के द्वारा ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स है इन ए टेम्परेट डिडस फॉरेस्ट ह्यूमस इज मैक्सिमम इन तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो फॉरेस्ट होते हैं तो उनमें सॉइल में जो ह्यूमस होता है वो मैक्सिमम किस लेयर में पाया जाता है तो यहाँ पर जो मैक्सिमम ह्यूमस होता है वो पाया जाता है ए हो में यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन की ओर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन है सनलाइट लविंग प्लांट आर नोन एज यानी कि ऐसे पौधे जो कि सन लाइट को पसंद करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं तो उन्हें हम कहते हैं हेलियो फाइट्स यानी कि आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी है आए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रेडियो एक्टिवली एक्टिव गैसेस यानी कि इनमें से कौन सी गैसे रेडियो एक्टिव सक्रिय हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में CO2 टू मेथेन और सी एफ सी यानी कि तीनों ही रेडियो एक्टिवली एक्टिव है तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा और ये सभी ग्रीन हाउस कैसे हैं आए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है ट्रिटिकल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है तो जो ट्रिटिकल्स है वो एग्जाम्पल है एलो यानी कि ऑप्शन बी तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि ट्रिटिकल्स क्या होता है वो कमेंट करके बता सकते हैं मैं इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ट्रिटिकल्स होते क्या हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है सोमैटिक हाइब्रिड्स कैन बी प्रोड्यूस बाई तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट को हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन तो आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन है द पिगमेंट दैट रेगुलेट फ्लावरिंग इन प्लांट इज यानी कि आपको बताना है कि पौधों में कलर को कौन सा पिगमेंट रेगुलेट करता है तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है फाइटोक्रोम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू है अपटेक ऑफ डी एन ए फ्रॉम इन्वायरमेंट बाई ए बैक्टीरियल सेल ऑकर ड्यूरिंग तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब बैक्टीरियल सेल अपने बाहरी इन्वायरमेंट से डी एन ए को लेता है तो उसे क्या कहते हैं या फिर ऐसे भी कह सकते हैं उस प्रोसेस को क्या कहेंगे जब बैक्टीरियल सेल अपने आउटर इन्वायरमेंट से डीएनए को लेता है तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है ट्रांसफॉर्मेशन तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में बैक्टीरिया क्या कहता है आउटर इन्वायरमेंट से डीएनए को लेता है चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट्स ड्यूरिंग रिपनिंग इज ड्यू टू सॉलिबिलिटी ऑफ तो फल पकने के बाद मुलायम हो जाते हैं तो उसका रीजन क्या है तो उसका रीजन क्या है उसका रीजन यह है कि जो मिडिल लेमिला होती है जो कि कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है वो डिजॉल्व हो जाता है जिसके कारण कि जो मिडिल लेमिला होती है वो सॉल्यूबल हो जाती है और जो फ्रूट्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं तो इसका रीजन है ऑप्शन सी मिडिल लेमिला चलते हैं अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर है सी लेट्यूस इज कॉमन नेम ऑफ तो आपने एलगी में पढ़ा होगा कि आ, कुछ हेल्गी जो होते हैं वो सलाद बनाने के एक काम आते हैं तो उसमें अलवा जो है जिसे हम सी लेट्यूस के नाम से जानते हैं तो यहाँ पर आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर है रेड रॉट ऑफ शुगर कैन इज कॉज बाय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आप इसको लिख लीजिए तो रेड रॉट ऑफ शुगर कैन जो होता है वो होता है कोलियोट्राइकम फैलेक्टम के कारण ऑप्शन सी अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव स्टील तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो सबसे प्रिमिटिव स्टील है वो है प्रोटो स्टील इसी से बाकी सभी स्टील का फॉर्मेशन हुआ है क्वेश्चन नंबर सेवन है जाइलम जाइलम इज फाउंड इन तो जो है वो साइकस में पाया जाता है इसका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ ऑफ द नीम ट्री यानी कि जो नीम की पत्ती है उसकी संरचना कैसी होती है तो इसके लीव की संरचना होती है पिनेट यानी कि आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए तो जब आप कंपाउंड लीव पढ़ेंगे तो आपको उसमें पिनेट देखने को मिलेगा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन है फॉर प्लांट्स मॉलीबेडनम इज यानी कि पौधों के लिए जो मॉलीबेडनम है वो किस तरह का न्यूट्रेंट है तो यह पौधों के लिए माइक्रो न्यूट्रेंट्स है तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी है एन ए डी पी एच इज प्रोड्यूस थ्रू तो एन ए डी पी एस टू का जो निर्माण होता है वो किसके थ्रू होता है तो होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट जिसे हम पी एस फर्स्ट के नाम से जाते हैं तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन है व्हाट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सी ओ टू फिक्सेशन इन सी फोर प्लांट तो सी फोर प्लांट में सी ओ टू के फिक्सेशन से जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो होता है ऑक्साइलो एसिटिक एसिड जो कि चार कार्बन का होता है इसलिए इन पौधों को हम बोलते हैं सी फोर प्लांट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को ओ ए ए से भी प्रदर्शित किया जाता है चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू है वाट डू ऑक्सिन प्रमोट तो आपको बताना है कि ऑक्जीन जो होते हैं वो किसको प्रमोट करते हैं तो ऑक्जीन फ्लावरिंग को प्रमोट करता है ठीक है इसके अलावा ये एवोसिएशन ऑफ ओल्डर मैच्योर फ्रूट्स को भी प्रमोट करता है और इसके साथ साथ पाथिनो कार्पी को भी प्रमोट करता है तो इसलिए आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन डी है चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री है इन विच ऑफ दीज इज वर्नलाइजेशन पॉसिबल तो आपको बताना है कि इनमें से किनमें बसंतीकरण जिसे हम वर्नलाइजेशन कहते हैं पॉसिबल है तो जितने भी ऑप्शन है तीनों तीनों में बसंतीकरण पॉसिबल है तो यहां पर आपका जो राइट right ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर है इन एन एनजीओ इफ द हाउ मेनी क्रोमोजोम विल द प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस हैव तो एनजियोस्पर्मिक प्लांट में आपसे इंडोस्पर्म में क्रोमोजोम संख्या पूछा है और यहां पर बताया कि जायगोट में क्रोमोजोम कितने है? 12 हैं बारह है तो हम सभी जानते हैं कि इंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लाइड होता है और जायगोट में यहां पर क्रोमोजोम है बारह तो यहाँ पर हैप्लायड हो जाएगा सिक्स तो अगर हम इसका ट्रिपल कर दें यानी कि थ्री का मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा एटीन तो यहाँ पर इंडोस्पर्म में जो क्रोमोजोम नंबर होगा वो होगा एटीन ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव है

चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन की ओर क्वेश्चन सेवनटी सेवन है पोलियो पोलियोर है पोलियो वायरस के पास किस तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं तो पोलियो वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए होते हैं यानी कि ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर सेवनटी एट है म्यूटेशन कैन बी इंड्यूसड बाई यानी कि आपको बताना है कि इनमें से किससे म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन को प्रेरित किया जा सकता है तो ऑप्शन सी है गामा रेडिएशन तो गामा रेडिएशन के द्वारा म्यूटेशन होने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि इनकी जो वेधन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन की ओर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम आर तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो गहरे समुद्र होते हैं उनमें प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन सा होता है तो क्वेश्चन का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्वेश्चन नंबर एटी है टीओ डायनियर डिस्कवर ए यानी कि एनिओ डायनियर ने क्या खोजा था तो टी ओ डायनियर ने फ्री आरएनए को खोजा था तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर एटी वन है द एंजाइम कैन क्लीव एंड ज्वाइन डीएनए मालिक्यूल यानी कि इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि डी को कट भी कर सकता है और उन्हें ज्वाइन भी कर सकता है तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है गाइरेज एंजाइम तो यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा अगर केवल पूछता कि कौन सा एंजाइम डीएनए को कट करता है तो वहां पर आपका आंसर होता रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ठीक है अगर ये पूछता कि कौन सा एंजाइम डीएनए को जोड़ता है तो वहां पर आपका आंसर होता है डीएनए लाइगेस लेकिन यहां पर पूछा है कि कौन सा एंजाइम कट भी करता है और जोड़ता भी है तो वहां पर आपका आंसर होगा गायरेस तो इस बात को ध्यान रखिएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 82 है द स्मॉलेस्ट पोर्सन ऑफ जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन इज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है तो पूछ रहा है कि जीन का वह छोटा से छोटा भाग जो कि उत्परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम कहते हैं म्यूटॉन यानी कि ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर एटी थ्री है साइनोवियल फ्लूइड कंटेंट यानी कि साइनोवियल द्रव में क्या पाया जाता है तो इसमें पाया जाता है हाइल्यूरोनिक एसिड क्वेश्चन नंबर एटी फोर द मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग इज यानी कि जो मेढक है उनमें उत्साह उत्पाद क्या होता है तो अगर हम बात करें एडल्ट की यानी कि जो फ्रॉग है फ्रॉग का जो एडल्ट कंडीशन है ठीक है उसमें एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है यूरिया लेकिन यदि हम बात करें टेटपोल की यानी कि फ्रॉग के टेटपोल की तो उनमें जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है अमोनिया तो जो एडल्ट होते हैं वो होते हैं यूरियोटेलिक और जो टेडपोल होते हैं वो होते हैं अमोनोटेलिक तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 85 है ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट येलो कलर टू यूरिन इन यानी कि मानव में जो पेशाब है यूरिन है उसका येलो कलर क्यों होता है तो उसका येलो कलर होता है यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर 86 है एक्रोमेगली इज कॉज्ड बाय इरेगुलर सिक्रेशन ऑफ तो एक्रोमेगेली क्या होता है इसमें जो बॉडी होती है वो जिगजैक हो जाती है और जिगजैक क्यों होती है ग्रोथ हार्मोन्स के सिक्रेशन के कारण वो भी ग्रोथ हार्मोन्स के इरेगुलर रेगुलर सिक्रीशन के कारण और ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होते हैं ग्लैंड से तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है तो ग्रोथ हार्मोन्स के इरेगुलर रेगुलर सिक्रेशन के कारण एक्रोमेगेली होता है जिसमें की जो बॉडी होती है वो जिगजैक हो जाती है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर एन एमिनो एसिड हैविंग हाइड्रोफिलिक साइड चेन यानी कि आपको बताना है कि कौन सा एमिनो एसिड में हाइड्रोफिलिक साइड चेन होता है तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है ऊपर के ये सभी हाइड्रोफोबिक है और जो सेरिन है ये है हाइड्रोफिलिक साइड चेन वाला एमिनो एसिड तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर एटी एट है टैकाईग्लोस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन यानी कि जो टेकाइग्लोसस है वो किसके बीच की संयोजक कड़ी है तो यह रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की संयोजक कड़ी है ऑप्शन डी सही है तो अगर हम बात करें रेप्टाइल और बर्ड के बीच की संयोजक कड़ी तो वह है आर्क्योप्टेरिक्स जो कि बहुत पूछा जाता है लेकिन यहाँ पर बात किया हुआ है टेकाइग्लोस की जो कि रेप्टाइल्स और मैमल के बीच की संयोजक कड़ी है चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर एटी नाइन है एमिनो एसिड डेट डज नॉट टेक पार्ट इन हेलिक्स फॉर्मेशन इज तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा इम्यूनो एसिड है जो कि अल्फा हेलिक्स के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता तो आपका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रोलिन क्वेश्चन नंबर 90 की ओर इन रैबिट द डाइजेशन ऑफ सेल्युलस टेक प्लेस इन यानी कि खरगोश में जो सेल्युलोज का पाचन होता है वो कहाँ पर होता है तो खरगोश में जो सेलुलोज का डाइजेशन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में होता है यानी कि आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी है आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 91 है हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स डज ए नॉर्मल मेल हैव तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो सामान्य नर है उसमें कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं तो उसमें होते हैं 250 यानी कि आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी है चलते हैं अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 92 है इफ द पैरासिंथेटिक इनपुट टू द हार्ट इज कट द रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ द हार्ट विल तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि हार्ट की पैरासिंपेटिटिक नर्व को कट कर दिया जाए तो ब्रीथिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो ब्रीथिंग क्या होगी बढ़ जाएगी यानी कि इंक्रीज कर जाएगी ऑप्शन ए सही है चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 93 है ए हार्मोन्स कैन हैव मेनी नेम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन डिफरेंट नेम ऑफ द सेम हार्मोन तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो कि अलग अलग नाम से जाना जाता है परंतु वह एक ही हारमोन्स है तो आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी है एडीएच जिसे हम वैसोप्रेसिन या या पीटेसिन फिर एंटी के नाम से जाना जाता है चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटी फोर की ओर ए चाइल्ड इज द ब्लड ग्रुप ओ विच ऑफ दिस कपल्स कैन नॉट बी चाइल्ड पेरेंट इफ देयर ब्लड ग्रुप आर एज फॉलोज तो कह रहा है कि एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है तो आपको बताना है कि कौन से ऐसे कपल्स हैं जिनका ये ब्लड ग्रुप है और यह इनका चाइल्ड नहीं हो सकता तो इस क्वेश्चन का आप राइट right आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे और यदि इसे सॉल्व करने आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा मैं नेक्स्ट पार्ट में इसे सॉल्व करके बताऊंगा आई है चलते हैं अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर नाइनटी फाइव है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर द फाइलम क्लास एग्जाम्पल करेक्टली मैच्ड तो यहाँ पर आपको फाइलम क्लास और एग्जाम्पल दे रखा है आपको राइट right आंसर बताना है तो आपका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन डी है तो प्लेटीज आपका फाइलम है आपका क्लास है और इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया क्वेश्चन नंबर 96 है विच आर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इनमें से कौन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है तो आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन डी है ट्रिप्सिन पेप्सिन और पेप्टाइडिस ये तीनों प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन है विच हैज द दाइएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रेजेंस इन द ह्यूमन बॉडी इनमें से कौन सा सबसे अधिक मानव के शरीर में पाया जाता है तो कार्बन अधिक पाया जाता है ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर है हाउ मेनी स्केलेटल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फेसियल पार्ट ऑफ द स्कल तो पूछ रहा है कि मानव की खोपड़ी में फेसियल पार्ट की ओर कितने बोन पाए जाते हैं तो उनकी संख्या होती है ट्वेंटी टू तो आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी है चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन की ओर टिटेनिकर डी टू तो टिटेनी किससे होता है तो ये होता है हाइपो कैल्शियमिया के कारण यानी कि कैल्शियम की कमी के कारण तो लेस एवेबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयन तो आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी है चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर हंड्रेड है विच ऑफ दीज इज ए पार्ट ऑफ मिड ब्रेन तो इनमें से कौन सा मिड ब्रेन का पार्ट है तो आपका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी हेलमस द फंगस कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड सामान्यतः ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है तो आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है राइजोपस इसे हम ब्लैक मोल्ड के नाम से भी जानते हैं तो आप दोनों नाम याद रखिएगा दूसरा क्वेश्चन है सम युग्मक अवस्था में लिंगी प्रजनन किसमें पाया जाता है द आइसोग मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड स्पाइरोगाइरा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स सर्व एज ए सुटेबल बायो फर्टिलाइजर इन द वाटर लॉग पैडी फील्ड यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव खाद पानी भरे धान के खेत में काम आता है तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है आउलो साइरा तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट है चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है द अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉस्ड बाई यानी कि आलू की, की अगैती अंगमारी रोग का कारक है तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड है अल्टरनेरिया पूरा जो है वो है अल्टरनेरिया सोलानी तो आप अल्टरनेरिया याद रखिएगा यदि आपसे क्वेश्चन में पूछता कि लेट ब्लेट ऑफ पोटैटो किसके थ्रू होता है तो आपका राइट ऑप्शन आप होता है ऑप्शन सेकेंड अस्टी लगो आए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 105 है मेथेन इज बायोजेनिक गैस प्रोड्यूस बाय ए मेंबर ऑफ यानी कि मेथेन एक जीव जनित गैस है स एक सदस्य द्वारा उत्पादित होता है तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड है आर किया चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है वन हंड्रेड सिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोटो सिंथेटिक पिगमेंट इज वाटर सालिबुल यानी कि निम्न में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक पानी में घुलनशील होता है तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर है फाइकोसाइन तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सेवन है लिग्न इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट इन द सेल वॉल ऑफ यानी कि लिग्लिन जो है वो किस कोशिका के भित्ति में होता है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है जाइलम आए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर नाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द बैक्टीरिया कन्वर्जन इज यानी कि नाइट्रिफिकेशन जीवाणु द्वारा बदलाव की एक क्रिया है यानी कि आपसे पूछा गया है कि जो नाइट्रिफिकेशन होता है उस नाइट्रिफिकेशन में होता क्या है यानी कि कौन सा प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होता है तो नाइट्रिफिकेशन में जो अमोनिया है वो नाइट्राइट में बदलता है तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन बनता है ऑप्शन फोर है अगला क्वेश्चन है चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है द सीड इन द एनजियोस्पर्म डेवलप फ्रॉम द यानी कि जो एनजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें बीज का निर्माण किससे होता है तो एनजीओ स्पर्मिक प्लांट में बीज का निर्माण होता है ओव्यूल्स से तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड टेन है द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट भारत का बॉटनिकल सर्वे किस जगह पर है तो यह है हावड़ा में क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड इलेवन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स इन द यू कैरियॉटिक सेल इज टू यानी कि यू कैरियोटिक कोशिका में माइक्रोट्यूल अति विशिष्ट क्रिया करता है यानी कि कौन सा क्रिया करता है तो आपका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट है माइटोटिक स्पेंडल बनाने में तो ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट right ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 112 है द प्रोटोनिमा स्टेज ऑफ द मॉस प्लांट इज ए यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मॉस में जो प्रोटोनिमा है वो कैसी अवस्था हैप्लॉयड है डिप्लॉयड है ट्रिप्लॉयड है ठीक है, है तो आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है हेप्लॉयड यानी कि अगुणित अरे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल आयन होल्ड टुगेदर द टू सब यूनिट ऑफ सेवनटी एस राइबोसोम यानी कि जो सेवेंटी एस राइबोसोम है जिसमें कि थर्टी और फिफ्टी सब यूनिट पाए जाते हैं तो ये दोनों जो सब यूनिट है किस आयन की वजह से जुड़ते हैं तो आपका जो राइट right ऑप्शन है वो है ऑप्शन थर्ड मैग्नीशियम आयन अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोटीनियस एंजाइम क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में कौन सा बिना प्रोटीन वाला एंजाइम है तो बिना प्रोटीन वाला एंजाइम है राइबोजाइम ऑप्शन सेकेंड क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फिफ्टीन है ओपीएम इज ऑप्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो ओपीएम है वो किससे प्राप्त होता है तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर है पत्ती की कोशिका से तो यहाँ पर इंग्लिश में नहीं दिया हुआ है आप हिंदी में देख सकते हैं ऑप्शन फोर पत्ती की कोशिका से तो याद रखिएगा ओपीएम जो है वो है पत्ती की कोशिका से प्राप्त होता है चलते हैं अगले क्वेश्चन क्यों क्वेश्चन नंबर 116 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ सी ओ टू बाई ग्रीन प्लांट यानी कि निम्न में से कौन सा एक एंजाइम हरे पौधों में सी ओ टू के स्थिरीकरण में सहायक होता है तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड है रुबिसको तो जो रुबेस्को एंजाइम है ये सी ओ टू के स्थिरीकरण में सहायक होता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सेवनटीन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉजेज ऑफ एसिड रेन यानी कि आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक अम्ली वर्षा का प्रमुख कारक है तो अम्ली वर्षा एसओ टू और एनओ टू के कारण होता है ठीक है तो ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री में भी पूछा हुआ है तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन फोर है हाई लेवल ऑफ एसओ टू इन द एटमोसफियर अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच यानी कि इसमें कौन सा पेयर सही है तो स्टेप्टोमाइसिस पेनिसिलियम से प्राप्त नहीं होता तो ये गलत है जिलेडियम सेप्रोफिटिक ये भी गलत है एगेरिकस को मशरूम कहते हैं तो ये ऑप्शन आपका सही है तो ऑप्शन थर्ड सही है अगला क्वेश्चन है द हेप्लॉड प्लांट्स आर ऑप्टन फार्म यानी कि जो अगुणित पौधे होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं तो अगुणित पौधे प्राप्त होते हैं पोलन से तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर वन है द एरेथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स इज द किल किलर ऑफ यानी कि जो एंथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है वो किसके लिए नाशक है ये किसको मारता है फंजाई को वायरस को यू बैक्टीरिया को या फिर ग्रीन एल्गी को तो एरेथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है ये मारता है यू बैक्टीरिया को तो यहाँ पर आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है क्वेश्चन नंबर 121 है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बियॉन्ट्स इन द एसोसिएटेड विद द कॉरलाइड रूट ऑफ द साइकस तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो साइकस का क्रोलाइड रूट है उसमें कौन सा आपको एलगी देखने को मिलता है यानी कि कौन सा जीव मिलता है तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड है एना बिना अगला क्वेश्चन है एरियल इज ए पार्ट ऑफ विच फ्रूट यानी कि किस फल का जो एरियल भाग है वो खाया जाता है या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि फल का जो एरियल भाग है किस में खाया जाता है तो उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट लीची तो लीची को जो हम खाते हैं वो हम एरियल पार्ट खाते हैं क्वेश्चन नंबर 123 है प्लास्टोसाइनिन इज़ द मेटैलो प्रोटीन दैट कंटेंट यानी कि जो प्लास्टोसाइनिन है एक मेटाइलो प्रोटीन है इसमें क्या पाया जाता है तो इसमें कॉपर पाया जाता है क्वेश्चन नंबर 124 है इंडो स्पर्म ऑफ एनजियो स्पर्म आर यानी कि जो एनजीओ स्पर्म का भ्रूणकोष है वो कैसा होता है डिप्लॉयड होता है ट्रिप्लॉयड होता है होता होता है होता है तो आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन फोर है ट्रिप्लॉय यानी कि थ्री एन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फाइव है द क्रेडिट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया टू यानी कि भारत में हरित क्रांति के लिए किसे माना जाता है तो यहाँ पर आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड है एम एस स्वामीनाथन इन फॉलोइंग विच इज नॉट इंडो ग्लैंड यानी कि इनमें से कौन से अंत श्राविक ग्रंथी नहीं है पहला ऑप्शन है थायराइड दूसरा है एडिनल तीसरा है लेक्रिमल और चौथा है पीयूष ग्रंथि तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी है लेक्रिमल लेक्रिमल एक अंत श्राविक ग्रंथि नहीं है यह एक बहिश्रावी यानी कि एक् ग्लैंड है आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर टू है साइज ऑफ प्यूटिट्री ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथी का आकार होता है आपके ऑप्शन है मटर के समान दूसरा है हैमर के समान तीसरा है तितली के आकार का और चौथा है छड़नुमा। तो यदि हम बात करें पीयूष ग्रंथि के आकार की तो इसका आकार मटर के समान होता है यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो आकार होता है वो होता है पी के समान ठीक है और कभी कभी इसका आपको वेट भी पूछ लेता है तो इसका वेट याद रखिएगा पाँच सौ होता है आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की और क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्यटिटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन यानी कि प्यूटिट्री ग्लैंड कहाँ पाया जाता है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है एथमोइड हड्डी की फोसा में दूसरा है स्पेनोइड हड्डी की फोसा में तीसरा है ललाट हड्डी की फोसा में और चौथा है ऑक्सीपिटल हड्डी का फोसा तो यहाँ पर आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी है इस्पेनोइड हड्डी की फोसा में तो अब बात आती है कि स्पेनोइड बोन पाया कहाँ जाता है तो इसमें स्पेनॉइड बोन पाया जाता है हमारे स्कल यानी कि खोपड़ी में तो पीटिट्री ग्लैंड हमारे स्कल के इस स्पेनॉयड हड्डी की फोसा में पाया जाता है चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर विच हार्मोन्स इज मोस्ट एविडेंटली सिंथेसाइज इन एंटीरियर प्यटिटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में सर्वाधिक मात्रा में बनता है आइए ऑप्शन देखते हैं पहला ऑप्शन है ग्रोथ हार्मोन्स दूसरा है थायराइड उत्तेजक हारमोन्स तीसरा है एड्रीनोकार्टोट्रोपिक हारमोन्स और चौथा है ल्यूटिलाइजिंग हारमोन्स तो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में जो सर्वाधिक मात्रा में हारमोन्स बनता है वो है ग्रोथ हारमोन्स यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है तो हम सभी जानते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि है उसमें दो भाग होते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस साइड जो भाग है उसको हम बोलते हैं अग्रभाग यानी कि एंटीरियर पार्ट और इधर की ओर जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे पश्चिम यानी कि पोस्टीरियर पार्ट तो इंटीरियर भाग से स्रावित होने वाले हारमोन्स हैं अगर हम बात करें तो सबसे पहले है टी एस एच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटरिंग हारमोन्स दूसरा है ग्रोथ हारमोन्स और तीसरा है एफ एस एच यानी कि फॉलिकल स्टमुलेटिंग हारमोन्स चौथा है एल एच ल्यूटिलाइजिंग हारमोन्स तो ये सभी हारमोन्स पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से स्रावित होते हैं वही हम बात करें पश्च भाग से तो पश्च भाग से दो हारमोन स्रावित होते हैं पहला है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है ए डी एच यानी कि एंटी डायलिट्रिक हारमोन्स लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि जो अग्रभाग है अग्रभाग से सर्वाधिक मात्रा में कौन सा हारमोन्स बनता है तो अग्रभाग में सर्वाधिक मात्रा में हारमोन्स जो बनता है वो है ग्रोथ हारमोन्स जैसा कि मैंने बताया था ऑप्शन ए आपका सही है अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है विच ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड तो बहुत सिंपल सा है हम सभी जानते हैं कि पीयूष ग्रंथी को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब पीयूष ग्रंथी को भी मास्टर ग्लैंड के नाम से नहीं जाना जाता किसे जाना जाता है आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है और यदि नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा मैं अगले वीडियो में आपको इसका आंसर बता दूंगा क्वेश्चन नंबर सिक्स है ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हारमोन्स यानी कि जी एच आर एच इज सिक्रेटेड बाई ग्रोथ हारमोन्स को निष्कासित करने वाला हारमोन्स कहाँ से निकलता है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है पूर्व काली पिटिट्री दूसरा है पश्चवर्ती पिटिट्री तीसरा है एड्रीनल और चौथा है हाइपोथैलेमस तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो हारमोन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं रिलीजिंग हारमोन्स और दूसरा होते हैं स्टिमुलेटिंग हारमोन्स तो याद रखिएगा जब भी बात होगी रिलीजिंग हारमोन्स की ठीक है तो जो रिलीजिंग हारमोन्स होते हैं वो सिक्रीट होते हैं आपके हाइपोथेलमस से इस बात को याद रखेगा ठीक है और जो स्टिमुलेटिंग हारमोन्स होते हैं जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें स्टिमुलेटिंग हारमोन्स की तो जो स्टिमुलेटिंग हारमोन्स होते हैं वो सिक्रीट होते हैं पीटीट्री ग्लैंड से तो दो तरह के हारमोन्स होंगे एक रिलीजिंग और दूसरा है स्टिमुलेटिंग तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिलीजिंग आ रहा है तो आपका जो राइट right ऑप्शन था ऑप्शन डी था हाइपोथेलमस चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर क्वेश्चन नंबर सेवन है विच इंडो ग्लैंड सीक्रेट एफ एस एच एंड एल एच यानी कि कौन सी अंतर श्रावी ग्रंथी एफ एस एच और एल एच का श्राव करती है आपके ऑप्शन में है पीटिट्री ग्लैंड थाइराइड ग्लैंड अधिवृत्त ग्रंथि और पूर्वकाल पीटिट्री तो सिंपल सा क्वेश्चन है अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जो एफ एस एच होते हैं वो एल एच होते हैं ये पीटिट्री ग्लैंड के इंटीरियर भाग से सिक्रिट होते हैं तो आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन डी है आप गलती से ऑप्शन ए मत कर दीजिएगा क्योंकि पीटीटरी ग्लैंड भी दिया हुआ है और एंटीरियर पीटीट्री ग्लैंड भी दिया हुआ है और अभी मैंने पीछे बताया था कि जो एंटीरियर भाग है यानी कि जो अग्र भाग है उसी से ये हारमोन सिक्रिट होते हैं चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की ओर क्वेश्चन नंबर एट है विच हारमोन्स इज इस इसेंशियल फॉर मिल्क प्रोडक्शन यानी कि कौन सा हारमोन्स दुग्ध बनाने के लिए जिम्मेदार होता है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है प्रोलेक्टीन दूसरा है ऑक्सीटोसिन तीसरा है ए डी एच और चौथा है एफ एस एच तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है प्रोलैक्टिन तो देखिए यहाँ पर जो प्रोलैक्टिन है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स किस पे कार्य करता है वो काम करता है ब्रेस्ट के ऊपर ठीक है तो जो ब्रेस्ट है उसके ऊपर ये कार्य करता है और किसका प्रोडक्शन करता है तो मिल्क प्रोडक्शन का कार्य करता है अब बात करते हैं प्रोलैक्टिन सिक्रिट कैसे होता है तो अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि पीयूष ग्रंथि का जो एंटीरियर पार्ट है यानी कि एंटीरियर प्यूटिट्री ग्लैंड का जो पार्ट है उसी से प्रोलैक्टिन रिलीज होता है तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है प्रोलैक्टिन आइए इसके अलावा जितने भी हारमोन्स हैं उनके कार्य के बारे में भी जानते हैं तो अगर हम बात करें अगला है ऑगजिटोसिन तो ऑक्जिटोसिन क्या कहता है तो जो ऑक्जिटोसिन है ये यूटेरस के अंदर कंट्रैक्शन कराता है तो जब डिलीवरी होने वाली होती है तो उसी समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रिएट होता है और यूटेरस का कंट्रैक्शन करता है जिससे आसानी से जो चाइल्ड बर्थ है हो पाता है इसके अलावा यह मिल्क इजेक्शन का काम करता है इसके बाद है एडीएच तो एडीएच का, का काम क्या है तो एडीएच जो काम करता है वो करता है किडनी के ऊपर और किडनी के ऊपर काम करके ये वाटर रीएब्जॉर्पन का कार्य करता है किसका काम करता है वाटर रीएबजॉर्पसन ठीक है वहीं हम बात करें एफ की यानी कि फॉलकिल स्टिमुलेटिंग हारमोन्स की तो यह किस पे कार्य करता है तो ये कार्य करता है ओवरी के ऊपर और ओवरी के ऊपर इसका काम क्या होता है ओवरी के ऊपर इसका काम होता है ओवम के फॉर्मेशन का आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर नाइन है इन फॉलोइंग विच कंडीशन विल इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ए डी यानी कि कौन सी स्थिति में ए डी का स्राव और बढ़ जाता है तो यही क्वेश्चन में है कि जो ए डी एच हारमोन्स है किस कंडीशन में बहुत अधिक श्रावित हो जाता है तो आपका पहला ऑप्शन है निर्जलीकरण दूसरा है रक्त स्राव तीसरा है हाइपोग्लाइसीमिया और लास्ट ऑप्शन है दोनों ए और बी तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन डी है बोथ ए और बी तो यहाँ पर जब ए डी एच का सिक्रीशन अधिक होता है उसका कंडीशन यह है कि निर्जलीकरण बहुत अधिक होता है और रक्तस्राव अधिक होता है तो ए का कार्य मैंने पीछे बताया था कि यह वाटर रीअबजॉर्बशन का कार्य करता है वाटर रिटेंशन रखता है और इसके साथ साथ बी कंट्रोल करता है तो जब बॉडी में पानी की कमी होती है यानी कि निजर्दीकरण होता है डिहाइड्रेशन होता है तो ए की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है सेम उसी तरह जब हीमोरेज यानी कि रक्त स्राव होता है तो उस कंडीशन में भी ए की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ए का एक और नाम है वैसोप्रेसिन चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की ओर क्वेश्चन नंबर टेन है थायरॉक्सिन हारमोन्स विच इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड से किस हारमोन्स को थायरॉक्सिन के नाम से जानते हैं यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से हारमोन्स को हम थायरॉक्सिन के नाम से जानते हैं आपका पहला ऑप्शन है टी थ्री दूसरा है टी फोर तीसरा है टी फाइव और लास्ट है टी एस एच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटरिंग हार्मोन आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी टी फोर और T4 को हम थारॉक्सिन के नाम से जानते हैं तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है वही बात करें हम T3 की तो इसे ट्राइडो थायरॉक्सिन के नाम से जाना जाता है चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर इलेवन है हाइपोथायरज्म क्रिएट फॉलोइंग इफेक्ट एक्सेप्ट यानी कि हाइपोथाडिज्म निम्नलिखित प्रभाव पैदा करते हैं इनमें से किसी एक को छोड़कर आपका पहला ऑप्शन है वजन कम होना दूसरा है बालों का झड़ना तीसरा है हृदय की उच्च गति और चौथा है कब्ज तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन तो कब्ज को छोड़कर जितने भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं सभी हाइपर थारॉयडिज्म के हैं चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है विच हारमोन्स इज आल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन यानी कि कौन से हारमोन्स को हम वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं आपका पहला ऑप्शन है एडीएच दूसरा है प्रोलैक्टिन तीसरा है ऑग्जिटोसिन और, और चौथा है लुटेनाइजिंग हारमोन्स तो पीछे आपको मैंने बताया था कि जो एडीएच हारमोन्स है इसे हम के नाम से जानते हैं तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है एडीएच तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन फॉलोइंग विच हारमोन्स रिड्यूस एब्जॉर्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी यानी कि शरीर में कौन सा हार्मोन्स जो कैल्शियम के अवशोषण को कम करता है तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है थैरोक्सिन दूसरा ऑप्शन है कैल्सिटोनिन, तीसरा है पैराथायराइड हार्मोन्स और चौथा है ऑक्सीटोसिन तो आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी है कैल्सिटोनिन। तो नाम से ही क्लियर है कैल्शियम को शोषण को कम करता है तो आप इसे भी याद रख सकते हैं कैल्सिटो को यहाँ पर मैं आपको इसका पूरा फंडा समझा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए तो यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई ह्यूमन बॉडी है यानी कि मानव शरीर है अब यहाँ पर हम बात करते हैं दो हारमोन्स की एक हारमोन्स है हमारा कैलसीटोनिन और दूसरा हारमोन्स है पैराथायराइड हारमोन्स तो जैसा कि हम यहाँ पर मान लेते हैं ये मानव इंटेस्टाइन है यहाँ पर मैं ड्रा कर दे रहा हूँ ये है हमारा इंटेस्टाइन ठीक है ये इंटेस्टाइन है तो ये इंटेस्टाइन है और ये इंटेस्टाइन में ब्लड है ठीक है ये क्या है ये है ब्लड और ये जो मैंने बनाया हुआ है ये है इंटेस्टाइन इसके बाद बात करते हैं ये है हमारा बोन तो यहाँ पर बात करते हैं पैराथायराइड की तो पैराथायराइड क्या कहता गा है ये इंटेस्टाइन पर काम करता है और ये क्या करता है कैल्शियम को डालता है ब्लड में तो पैराथायराइड क्या करता है यह कैल्शियम को ब्लड में डालता है अब कैलसीटोन क्या करता है कैल्सिटोन पैराथाइड का उल्टा काम करता है कैल्सिटोन क्या करता है यह ब्लड से कैल्शियम को इंटेस्टाइन में डालता है सेम यही काम काम यह बोन बोन के ऊपर भी करते कि बोन के ऊपर ऊपर भी भी है यानी कि उल्टा ही काम होता है। जो पैराथाइड करता है उसका उल्टा काम करता है कैल्सिटोन तो कैल्सिटोनिन क्या करता है कैल्शियम के अवशोषण को कम करता है तो यहां पर जो मैंने आंसर बताया था वो था ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है द हारमोन सिक्रेटेड बाई एड्रीनल कॉर्टेक्स इंक्लूड एक्सेप्ट यानी कि कौन से हारमोन्स एड्रीनल कॉर्टेक्स से श्रावित होते हैं एक को छोड़कर आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ग्लूको दूसरा है मिनरेलो तीसरा है एंड्रोजन और चौथा है एड्रेनलिन तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है एड्रेनलिन तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो एड्रीनल ग्लैंड है यानी कि जो अधिवृक्क ग्रंथि है वो दो भागों में बटा होता है तो जो बाहर की ओर भाग होता है उसे हम बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स और ये जो बीच वाला भाग है इसे हम बोलते हैं एड्रीनल मेडुला तो ये जो बाहर वाला भाग है यानी कि जो एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला भाग है ठीक है ना इससे श्रावित होने वाले हारमोन्स है ग्लूको कार्टिकॉयड्स और एंड्रोजन ठीक है लेकिन जो ये एड्रीनलिन है ये श्रावित होता है मेडुला वाले भाग से यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा हारमोन एडिनल कॉर्टेक्स से स्रावित नहीं होता आई चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर इन फॉलोइंग विच इज द मेन ग्लूको कॉटिकॉयड यानी कि इनमें से कौन मुख्य को ग्लूको कोर्टिकॉयड हारमोन्स कहेंगे तो यहाँ पर बात करें इसके आंसर की तो जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉयड हारमोन्स है वो है कॉर्टिस ठीक है तो आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन ए है फॉसफो इन पायरवेट यानी कि पीई पी इज़ द प्राइमरी सी ओ टू असेप्टर इन तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फॉसफो इनॉल पायरवेट है यानी कि पी ई पी है इसका प्राइमरी एक्सेप्टर सी ओ टू किस में होता है ये क्वेश्चन नीट टू थाउजेंड सेवनटीन में पूछा गया है तो आपको बताना है कि फॉसफो इनॉल का जो प्राइमरी एक्सेप्टर सी ओ टू होता है किस में होता है सी थ्री प्लांट में होता है सी फोर प्लांट में होता है सी टू प्लांट में होता है या फिर सी थ्री और सी फोर दोनों में होता है तो आपका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी C4 फोर प्लांट आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर टू है द प्रोसेस विच मेक मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 थ्री एंड सी फोर प्लांट तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि C3 थ्री और सी फोर प्लांट में अंतर को बताता है और यह क्वेश्चन नीट टू थाउजेंड सिक्सटीन में पूछा हुआ है तो ऑप्शन ए है फोटो रिस्पायरेशन ऑप्शन बी है रिस्पाइरेशन ऑप्शन सी है ग्लाइकोलाइसिस और ऑप्शन डी है कैलविन साइकिल तो आपका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन ए फोटो रिस्पायरेशन क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइटोक्रोम इज ए आपको बताना है कि फाइटोक्रोम क्या है तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए है लिपोप्रोटीन ऑप्शन बी है क्रोमो प्रोटीन ऑप्शन सी है फ्लैवोप्रोटीन और ऑप्शन डी है ग्लाइकोप्रोटीन तो आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी है क्रोमोप्रोटीन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर क्वेश्चन नंबर फोर है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है जैसे कोई वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है जो कि प्लांट सेल वैक्यूल में पाया जाता है हम सभी जानते हैं कि प्लांट सेल में वैक्यूल पाया जाता है तो प्लांट सेल के वैक्यूल में पाया जाने वाला वाटर सॉल्युबल पिगमेंट आपको बताना है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये ए आई पी एम टी में दो हजार सोलह में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जेंथोफिल ऑप्शन बी क्लोरोफिल्स ऑप्शन सी कैरेटीनोइ्स और ऑप्शन डी एंथोसाइनि आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी एंथोसाइन तो एंथोसाइन ये ऐसा वाटर सॉल्वल पिगमेंट है जो कि प्लांट सेल के वैक्यूल में पाया जाता है क्वेश्चन नंबर फाइव है इन क्लोरोप्लास्ट द हाइएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट में सबसे अधिक प्रोटॉन्स कहाँ पाए जाते हैं ये भी क्वेश्चन ए में 2016 में पूछा हुआ है आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्ट्रोमा ऑप्शन बी ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड्स ऑप्शन सी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और ऑप्शन डी है एंटीना कॉम्प्लेक्स आपका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड्स क्वेश्चन नंबर सिक्स है विच वन गिव्स द मोस्ट वैलिड एंड रिसेंट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टोमेटल मोमेंट्स। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टोमेटल मोवमेंट से रिलेटेड कौन सा ऐसा मोस्ट वैलिड और हाल ही में किया गया एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन ए है गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस ऑप्शन बी है ट्रांसपिरेशन ऑप्शन सी है पोटेशियम इनफ्लक्स एंड ईफ्लक्स और ऑप्शन डी है स्टार्च हाइड्रोलाइसिस आपका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी पोटेशियम इनफ्लक्स एंड ईफ्लक्स क्वेश्चन नंबर 7 है इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस एट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि यहां पर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन पूछ रहा है ना कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन तो फोटोसिंथेसिस में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ पर होता है तो यहाँ पर क्वेश्चन को बस घुमा दिया हुआ है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का मतलब हुआ डार्क रिएक्शन तो अब डार्क रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस में कहाँ होता है तो पहले ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए है स्ट्रोमल मैट्रिक्स ऑप्शन बी है थैलाकॉइड ल्यूमेन ऑप्शन सी है फोटो सिस्टम फर्स्ट और ऑप्शन डी है फोटो सिस्टम सेकेंड तो हम सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि जो डार्क रिएक्शन है वो होता है स्ट्रोमा में यानी कि स्ट्रोमल मैट्रिक्स में ऑप्शन ए आपका सही है क्वेश्चन नंबर एट है क्रोमेटोफोर्स क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन यानी कि इनमें से किस में भाग लेते हैं ऑप्शन ए है ऑप्शन बी है फोटोसिंथेसिस ऑप्शन सी है ग्रोथ और ऑप्शन डी है मूवमेंट तो आपका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी फोटो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर वेन डे लाइट आवर्स आर इंक्रीज द रेट ऑफ फोटो तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे अगर हम मान लें गर्मी के दिनों में जो लाइट का जो घंटा होता है मतलब लाइट का जो ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाता है तो जब लाइट का ड्यूरेशन बढ़ जाता है तो फोटो के रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा ऑप्शन ए है इंक्रीज़ होगा ऑप्शन बी है डिक्रीज होगा ऑप्शन सी है रिमेन अनचेंज यानी कि कोई चेंज नहीं होगा और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एव तो मैं आपको बता दूं फोटो सिंथिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है अगर आपने ब्लैकमैन का लिमिटिंग फैक्टर पढ़ा है तो उसी में आपको इसका आंसर मिलेगा ऐसे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर टेन है रिएक्शन सेंटर ऑफ पी फर्स्ट इज यानी कि फोटो फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर कौन सा है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है तो ऑप्शन ए है पी ऑप्शन बी है पी ऑप्शन सी है क्लोरोफिल सेवन हंड्रेड फिफ्टीन और ऑप्शन डी है क्लोरोफिल सिक्स हंड्रेड एटी फाइव तो इसका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन ए पी सेवन हंड्रेड क्योंकि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो सेवन हंड्रेड वेबलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वहां पर आपका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो होता है पी सेवन हंड्रेड जबकि फोटो सिस्टम सेकेंड में होता है पी सिक्स हंड्रेड एटीन तो आप इसको भी याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन है पी एस फर्स्ट एंड पी एस सेकेंड ऑकर ओवर आपको बताना है कि जो पी एस फर्स्ट और पी एस सेकेंड है वो कहाँ पर पाए जाते हैं तो आपने फोटो सिस्टम पढ़ा है यानी कि आपने फोटो सिंथेसिस का अगर लाइट रिएक्शन पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि वो ग्रेना पर होता है और ग्रेना पर ही ये पी एस फर्स्ट और पी एस सेकेंड पाए जाते हैं तो आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन ए है अरे है चलते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है फोटो रिस्पायरेशन ऑकर इन यानी कि प्रकाश श्वसन किस में पाया जाता है ऑप्शन ए है राइबोसोम ऑप्शन बी है माइट्रोकॉन्ड्रिया ऑप्शन सी है पराक्सीोम और ऑप्शन डी है लाइसोसोम तो आपका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी पराक्सी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर थर्टीन है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के समय होता है ऑप्शन ए ओ टू कम फ्रॉम सीओ टू ऑप्शन बी ए टी पी इज फॉर्म ऑप्शन सी ए टी पी इज नॉट फॉर्म और ऑप्शन डी वाटर इज नॉट रिक्वायर एज रिएक्टेंट बट ओनली एज ए मीडियम तो यहाँ पर आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी है ए टी पी इज फॉर्म यानी कि फोटो सिंथेसिस में ए टी पी बनता है अब ऑप्शन ए की बात करें ओ टू कम फ्रॉम सी ओ टू तो ये गलत है क्योंकि ओ टू जो है हमें एच टू ओ से मिलता है तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया ऑप्शन सी है ए टी पी इज़ नॉट फॉर्म अभी हमने देखा कि ए टी पी बनता है तो ये ऑप्शन आपका सही है ठीक है मतलब ऑप्शन सी गलत है ऑप्शन बी आपका सही है वही बात करें ऑप्शन डी की वाट इज इज नॉट रिक्वायर्ड एज रिएक्टेंट हम जानते हैं कि यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहाँ पर वाटर एज ए रिएक्टेंट यूज करते हैं क्यों क्योंकि वाटर से ही तो ओटू बन रहा है अभी मैंने ऊपर क्या बताया कि वाटर से ही ओटू बनता है ठीक है तो आपके तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है ऑप्शन बी आपका सही है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा ऑफ हायर प्लांट कंटेन ऑप्शन ए क्लोरोफिल ऑप्शन बी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम ऑप्शन सी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम एंड ऑप्शन डी लाइसोसोम्स तो हम सभी जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है तो वहाँ पर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम जाएं पाए जाएंगे तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है फोटो फॉस्फोराइलेशन मीन्स सिंथेसिस ऑफ तो मैं आपको बता दूँ कि फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है लाइट के थ्रू ए का फॉर्मेशन और ये ए कैसे बनता है ए से तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है ए टी पी फ्रॉम ए डीपी है जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हमारे देश में कब हुई थी तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए है 1982, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 1986 तो सन 1986 में सर्वप्रथम हमारे देश में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हुई तो आइए समझते कि जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी होता है तो जैसा कि नाम में ही आपको दिख रहा है जैव और प्रौद्योगिकी अर्थात जैव का मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड है और प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी तो कहने का मतलब यह है कि सूक्ष्म जीव तो जनरली जो बायोटेक्नोलॉजी होती है पहले आप ये समझिएगा कि जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनका उपयोग करके मनुष्य के लिए फायदेमंद और अनुकूल वस्तुओं का निर्माण करना ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है और जनरली जैव प्रौद्योगिकी में सूक्ष्म जीवों का ही प्रयोग किया जाता है अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ है तो जैव प्रौद्योगिकी का सबसे ज्यादा उपयोग आपके खाद्य पदार्थों के निर्माण और कृषि में किया जाता है यदि हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी के ब्रांचेस की तो इसमें से जो दो मुख्य ब्रांचेस हैं पहला है चीनी अभियंत्र की जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग अर्थात रसायन अभियंत्र की तो आगे इन दोनों ब्रांचेस के बारे में हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर किस प्रकार के प्रतिबंध इंडो न्यूक्लियस का अनुवां अभियंत्रिकी में प्रयोग किया जाता है हमारे ऑप्शन है ऑप्शन बी टाइप सेकेंड ऑप्शन सी टाइप थर्ड और ऑप्शन डी है ये सभी तो जो जीनी अभियंत्रिकी प्रक्रिया है जिसे हम बोलते हैं अनुवांशिकी अभियंत्रिकी इसमें इंडो न्यूक्लियस एंजाइम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम तो इसके टाइप सेकेंड का प्रयोग किया जाता है जिसका उपयोग डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट से कट किया जाता है तो डीएनए को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग करते हैं और सबसे अधिक टाइप सेकेंड का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी वही बात करते हैं हम अनुवांशिकी अभियंत्रिकी की, की अनुवांशिक अभियंत्रिकी होता क्या है मैं ये बता देता हूँ तो जब क्या किया जाता है कि जीवों के डीएनए में हेर फेर किया जाता है मतलब किसी जीव के डीएनए को काट कर किसी दूसरे के जीव के डीएनए में डाल दिया जाता है और उससे एक नई जो जाति बनती है उसी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं जीनी अभियंत्र की तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन बी टाइप सेकंड जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो रिस्ट्रिक्शन इंडियन न्यूक्लियस एंजाइम है इसे विज्ञान जगत की कैची भी कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो याद रखेगा विज्ञान जगत की कैंची अर्थात सीजर ऑफ साइंस किसे कहते हैं तो रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम को हम सीजर ऑफ साइंस भी कहते हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर थर्ड है टाइप सेकेंड इंडो न्यूक्लियस एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यकता होती है तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि जो टाइप सेकेंड इंडो न्यूक्लियस एंजाइम है उसकी क्रियाशीलता के लिए किस आयन की आवश्यकता पड़ती है तो पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम आयन दूसरा है क्लोरीन आयन तीसरा है सोडियम आयन और चौथा है आपका कैल्शियम आयन तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मैग्नीशियम आय तो आइए मैं आपको रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम की विशेषताएं बताता हूं तो जो रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं ये डीएनए अणुओं को कई स्थान पर काटने की क्षमता रखते हैं और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये डीएनए अणु को दोनों स्टैंड पर काट सकते हैं जबकि कुछ ऐसे भी रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो कि केवल डीएनए अणु को एक ही छोर पर काटते हैं आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर फोर है प्रथम परिवर्तित क्लोनिंग संवाहक था पहला ऑप्शन है पी वी आर तीन सौ सत्ताईस सेकेंड है पी यू सी थर्ड है पी वी आर तीन सौ बाईस और लास्ट है सी वी चालीस तो आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है पी वी आर तीन सौ बाईस तो पी वी आर तीन सौ बाईस क्या है मैं आपको बता देता हूँ तो ये सबसे पहला क्लोनिंग वेक्टर है जो कि लैब में तैयार किया गया था अब इसका नाम पी वी आर तीन सौ बाईस क्यों है तो पी का मतलब यहाँ पर है बी और आर का मतलब है बोलीवर एंड रोडरी यूज क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इसे खोजा था बॉलीवर और ने इसलिए इसका नाम है पी वी आर तीन सौ बाईस तो आइए मैं आपको बता देता हूँ प्लाज्मिट या वाहक क्या होते हैं वाहक वे डी एन एडू होते हैं जो कि डी एन ए को ले जाते हैं और उसकी ढेर सारी कॉपी बनाते हैं एक तरह से हम इसको क्लोनिंग वेक्टर भी कहते हैं आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर फाइव है पी वी आर तीन सौ बाईस समवाहक में प्रतिरोधक क्षमता थी तो ऑप्शन ए है टेट्रासाइक्लिन के लिए ऑप्शन बी है एम्फिसीन के लिए ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों के लिए और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं तो यहाँ पर राइट right आंसर है आपका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों के लिए अर्थात टेट्रासाइक्लिन के लिए और एम्फिसीन के लिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है तो जैसा कि मैंने बताया था क्लोनिंग क्या होता है जब ढेर सारी कॉपी बनाते हैं जो डीएनए हमने कट किया उसी को हम बोलते हैं क्लोनिंग तो जंतु कोशिका में क्लोनिंग के लिए जो उपयुक्त तो संवाहक जिसे हम बोलते हैं वेक्टर कौन सा है तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पी ऑप्शन बी पी वी ऑप्शन सी पी वी और ऑप्शन डी एस वी तो आपको मैं इस वेक्टर के बारे में बता देता हूं कि ये जो वेक्टर है ये जनरली बावन न्यूक्लियोटाइड का बना विषाणु से निर्मित वेक्टर है और हमारा जो राइट आंसर है वो है एस वी फोर्टीन जिसके बारे में मैंने आपको बताया आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर सेवन है डीएनए खंडों की पहचान करते हैं तो पहला ऑप्शन है साउदर्न ब्लाटिंग टेक्निक से दूसरा है नॉर्दर्न ब्लाटिंग टेक्निक से तीसरा है वेस्टर्न ब्लाटिंग टेक्निक से और लास्ट है उपयुक्त सभी से तो इसका राइट आंसर है साउदर्न ब्लाटिंग टेक्निक से तो जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है जब आपको मैं बताऊंगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है तो जब डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग होता है उस समय क्या कहते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है जैसे किसी व्यक्ति का डी एन ए खंड में पहचान करना है तो डी एन ए खंडों की पहचान करने के लिए साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का प्रयोग करते हैं आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डी एन ए खंड होता है तो पहला ऑप्शन है धनावेश दूसरा है ऋण तीसरा ऑप्शन है उदासीन और चौथा है कभी धन और कभी ऋण आवेश तो इसका राइट आंसर है ऋण आवेश खंड होता है तो डीएनए अड़ू कैसे ऋण आवेश खंड होता है मैं आपको बता देता हूँ इसका रीजन क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपसे ये क्वेश्चन वाइवा में भी पूछे जाते हैं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जो डीएनए का निर्माण होता है वो फास्फेट समूह नाइट्रोजेनस बेस और पंच कार्बन ही शर्करा से होता है तो डीएनए अणु में जो फास्फेट समूह होता है वो निगेटिव चार्ज होता है और फास्फेट ग्रुप जो होता है कार्बन के पांचवें पोजिशन पे जुड़ता है तो जो फास्फेट ग्रुप है वो आपके जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ठीक है और जो शुगर है तो शुगर के पांचवे कार्बन से जुड़ता है और इसी निगेटिव फास्फेट ग्रुप के वजह से ही डी पर निगेटिव चार्ज होता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है याद रखेगा कि क्यों डी पर निगेटिव चार्ज होता है जब ये फास्फेट ग्रुप के तहत आपस में जुड़ते हैं तो इस पर निगेटिव चार्ज आता है और इसी कारण डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है तो हमारे क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन बी ऋण क्वेश्चन की ओर। खोज तो की, की तो तो खंड होते हैं जिनका निर्माण बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है तो इसका जो राइट right आंसर है इसको खोजने वाले वैज्ञानिक थे कैरी मुलेस तो आपका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी तो याद रखिएगा पॉलीमेर श्रृंखला की खोज किसने किया था कैरी मुलिस ने और विच स्ट्रक्चर फॉर्म आफ्टर फर्स्ट म्योटिक डिवीजन इन प्राइमरी ऊसाइट यानी कि प्राथमिक ऊसाइट के अधसूत्री विभाजन के बाद कौन सी संरचना बनती है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है तो आपके ऑप्शन है सेकेंडरी ऊसाइट दूसरा है ओवम तीसरा है पोलर बॉडी और चौथा है बोथ ए एंड सी तो यहाँ पर आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी यानी कि प्रथम में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप सेकेंडरी ऊसाइट और पोलर बॉडी बनते हैं तो आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन डी है तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है वहां पर होते हैं जर्म सेल और उसमें होता है माइटोसिस यानी कि सूत्री विभाजन तो जो जर्म सेल है उसमें गुणसूत्र जो होते हैं डिप्लॉयड होते हैं अब जर्म सेल से जब माइटोसिस होगा तो माइटोसिस होने के बाद बनेगा उगोनिया तो उगोनिया भी डिप्लॉयड है अब उगोनिया में फिर से डिवीजन होगा वो होगा माइटोसिस यानी कि माइटोसिस का सेकेंड डिवीज़न होगा तो जब उगोनिया में माइटोसिस सेकेंड होता है तो बनता है प्राइमरी ऊसाइट ये भी डिप्लॉयड होगा यानि कि इसमें जो क्रोमोजोम होंगे वो होंगे फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स अब प्राइमरी ऊसाइट्स में होगा मियोसिस डिवीज़न यानी कि अध:सूत्री विभाजन और अध:सूत्री विभाजन के थ्रू बनेगा सेकेंडरी ऊसाइट्स और पोलर बॉडी तो प्राइमरी ऊसाइट्स में मियोसिस डिवीजन के थ्रू बनते हैं सेकेंडरी ऊसाइट्स और पोलर बॉडी और यही क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी क्वेश्चन नंबर टेन है ड्यूरिंग ऊजनेसिस सेकेंडरी उइट इज फॉर्म आफ्टर उजिनेसिस प्रक्रिया के दौरान द्वितीय उ कब बनता है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है प्राइमरी ऊसाइट में प्रथम अधी विभाजन के पश्चात दूसरा ऑप्शन है प्राइमरी ऊसाइट में द्वितीय कधसूत्री विभाजन के पश्चात तीसरा ऑप्शन है प्राइमरी ऊसाइट में समसूत्री विभाजन के पश्चात और चौथा ऑप्शन है उगोनिया में समसूत्री विभाजन के पश्चात तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब होता है प्राइमरी ऊसाइट्स में तभी बनता है सेकेंडरी ऊसाइट तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर इलेवन है द सेल रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इज नोन एज यानी कि ओव्यूलेशन के दौरान जो कोशिका रिलीज होती है निकलती है उसे किस नाम से जाना जाता है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है उगुनिया दूसरा है प्राइमरी ओसाइट तीसरा है सेकेंडरी ओसाइट और चौथा है स्पर्मेटोजोआ तो ओव्यूलेशन के दौरान जो कोशिका रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन तो सी आए चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट सेल इन बॉडी यानी कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं पहला है नर्व सेल दूसरा है कार्डियक सेल तीसरा है रेनल सेल और चौथा है ओवम तो यहाँ पर आपका जो राइट right आंसर है यानी कि राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है ओवम यहाँ पर एक चीज आप कंफ्यूज मत होइएगा अगर शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछता है तो ओवम बताइएगा और शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछता है तो वहां पर आपका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका है चलते हैं क्वेश्चन नंबर की ओर क्वेश्चन नंबर है नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन प्राइमरी ओसाइट आर यानी कि प्राथमिक ओसाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है तो अभी हमने पीछे देखा था कि जो प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं उनमें गुणसूत्र की संख्या होती है डिप्लॉयड यानी कि टू यानी कि फोर्टी अब यहाँ पर बात आती है कि जो प्राइमरी उठ है यह एक फीमेल सेल है और उसके लिए क्या होगा क्रोमोजोमी फोर तो और एक्स एक्स हो जाएगा सिक्स तो प्राथमिक उठ में गुणसूत्र की जो संख्या है होती है छियालीस और उसको हम फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स भी डिनोट कर सकते हैं तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो जर्म सेल होते हैं वो डिप्लॉयड होता है और इसमें माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप बनता है उगोनिया ठीक है और उगोनिया भी क्या होता है डिप्लॉयड होता है यानी कि टू एन होता है तो जर्म सेल में भी क्रोमोजोम जो थे आपके डिप्लॉयड थे यानी कि फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स था और उनिया में भी यही होगा फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स होगा क्योंकि ये भी क्या है डिप्लॉयड है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि माइटोसिस में क्रोमोजोम नंबर सेम होता है अब यहां पर होता है फिर से माइटोसिस डिवीजन यानी कि दूसरी बार डिवीजन होता है और दूसरी बार डिवीजन के फलस्वरूप बनता है प्राइमरी ऊसाइट और हम सभी जानते हैं कि माइटोसिस में क्रोमोजोम नंबर सेम होता है तो ऊगोनिया में डिप्लॉयड था तो प्राइमरी में भी उड होगा यानी कि आपका क्रोमोजोम नंबर होगा फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था प्राइमरी तो उतना है फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स है ठीक है चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की ओर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है इन फीमेल द सेल आर फाउंड इन ओवरी एट बर्थ यानी कि स्त्रियों में जन्म के समय अंडाशय में कोशिकाएं पाई जाती है यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब कोई लड़की या फिर हम कह सकते हैं कोई बेबी गर्ल जन्म लेती है तो उस समय उसके अंडाशय में कौन सी कोशिका होती है तो आपका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन ए है प्राइमरी ओसाइट आइए मैं आपको इसको समझा देता हूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो जर्ब सेल होता है जर्ब सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है और बनता है उगोनिया ठीक है उगोनिया में फिर से माइटोसिस डिवीजन होता है यानी कि माइटोसिस सेकेंड होता है और बनता है प्राइमरी ऊसाइट तो ये जो प्राइमरी ऊसाइट बनता है ये कब तक बनता है बर्थ तक बनता है यानी कि जन्म तक बनता है और इसी प्राइमरी ऊसाइट को हम बोलते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल अब इसके बाद अंडे बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और अंडे बनने की प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है जब मेस्टरनल साइकिल स्टार्ट होता है और मेस्टरनल साइकिल यानी कि एमसी कब स्टार्ट होती है जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है प्राइमरी ऊसाइट आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है इन द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस विच ऑर्डर इज करेक्ट तो पीछे हम लोगों ने देखा था कि जर्म सेल से बनता है उगोनिया उगोनिया से बनता है प्राइमरी ऊसाइट प्राइमरी ऊसाइट से बनता है सेकेंडरी ऊसाइट और फिर उसके बाद होता है ओव्यूलेशन तो इस हिसाब से देखें जो करेक्ट ऑर्डर है वो है ऑप्शन फर्स्ट ठीक है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले लिखा हुआ है उगोनिया फिर उसके बाद लिखा है प्राइमरी ओसाइट फिर उसके बाद लिखा हुआ है सेकेंडरी ओसाइट फिर उसके बाद लिखा हुआ है ओव्यूलेशन ठीक है तो उ का जो करेक्ट ऑर्डर है वो है ऑप्शन ए वाला ठीक है अरे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की ओर तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है इस पर मैट जिनेसिस आकर इन यानी कि शुक्राणु जनन होता है आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दूसरा है सेमिनल वेसिकल्स तीसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि और चौथा है वास डिफरेंस तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल